एसेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साथियों यूज ऑफ हैव एंड हैज प्लस टीओ टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन के साथ। साथियों अगर आप इस चैनल पे नए होंगे ना तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और जो हम बातें बता रहे हैं आपको अंग्रेजी में, इसे साथियों क्या कीजिए, अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ आप शेयर कीजिए। अगर शिक्षा को अगर दूर तक ले जाना है तो आप अपने अंदर में शिक्षा को क्या कीजिए, इसे दूर तक फैलाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आप सीख लिए और दूसरों को नहीं सीखने दे, तो इससे मेरा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो हमने आपको बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को शेयर करें, वो मैं शिक्षा को पूरी वर्ल्ड तो नहीं बोल सकता हूं, मतलब पूरी दुनिया भी नहीं बोल सकता हूं, मैं अपने भारत ही जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि पूरी इंडिया में इस वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि उन बच्चों को भला हो जाएगा जो बच्चे बेसिक से अंग्रेजी नहीं जानते होंगे। और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो बहुत सारे पैसे लेते हैं और उनको आर्थिक स्थिति इतनी खराब रहती है, जो कि क्या होता है कि वो उन वीडियोस तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं उनके लिए एक मसीहा बन के आया हूं, जो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ए टू जेड वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बशर्ते आपको अगर अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियोज का सहारा लीजिए और उसे समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दो पंक्ति याद आ गई कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो चलते हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास की ओर। और आज का जो सेशन है साथियों वो बहुत ही शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद की तरह है, इसीलिए साथियों बहुत गौर से देखिएगा और दो तीन मिनट देखने के बाद हटने का प्रयास मत कीजिए, पूरा वॉच कीजिए वीडियो को, ताकि आपको ट्रांसलेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो चलते हैं आज का सेशन जो हमारा है साथियों वो है यूज ऑफ have, has plus, to plus, v1 plus object। ये साथियों हमारा क्या है, हेडिंग है, हेडलाइंस है कि यूज ऑफ have या has plus, to plus, v1 plus object का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, हम कहां पे करेंगे, इसके बारे में जानकारी को अच्छी तरह से प्राप्त करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो यहां देखते हैं साथियों कि इसका अगर हमारा पहचान अगर पूछा जाएगा तो इसका पहचान क्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान देंगे कि हिंदी के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ना है नी है, ने है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्यों के साथ हैव या हैज प्लस टीओ टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब हिंदी के मुख्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्यों के साथ साथियों हैव या हैज प्लस टीओ टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल को लेके समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इस तरह इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कौन से सेंटेंस को बनाए जा सकते हैं, उन सेंटेंसों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखते हैं यहां पे साथियों आपका दिया हुआ है पहला कि मुझे जाना है। साथियों इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा,
आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। साथियों हम लाइव भी आने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि लाइव जब मैं जुड़ू तो आप लोग भी जुड़ने का प्रयास करें। और उसमें हम क्या करेंगे कि जिन वीडियोज के माध्यम से मैं जिन वीडियोज को छोड़ रहा हूँ यूट्यूब पे, उन वीडियोज को मैं आप तक क्या करूंगा, उन्हीं वीडियोज के सारे प्रश्नों का निचोड़ लेके मैं आपके सामने रखूंगा और आपको कमेंट सेक्शन में जाके, लाइव चैट में जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए साथियों लाइव में हमारा पहला जो लाइव स्टार्टिंग होगा वो हमारा लाइव टेस्ट से स्टार्टिंग होगा और उसमें हम बेसिक टू एडवांस करके जो इंग्लिश के ट्रांसलेशन की सीरीज है उन वीडियोजों के माध्यम से हम लेके चलेंगे। तो अभी जो हमारा लाइव सेशन जो स्टार्ट होगा उनमें हम लोग यूज ऑफ एमिज आर के सभी खंडों पर, 6 स्ट्रक्चरों पर लाइव क्लास में हम लोग टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इन चीजों को नहीं जानते होंगे तो पहले से वीडियो अपलोड है, आप उसे अच्छी तरह से जाके देखिए और फिर लाइव में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं, मुझे जाना है। दूसरा सेंटेंस है साथियों कि मुझे जाना पड़ता है। तीसरा सेंटेंस है उसे दिल्ली जाना है, उसे दिल्ली जाना है। चौथा सेंटेंस है साथियों आपको पढ़ना है। और पांचवा सेंटेंस है कि आपको पढ़ना पड़ता है। इन सेंटेंसों को समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे साथियों कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। हम यहां पे इन चीजों को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, या पड़ता है, पड़ती है, पड़ते हैं इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे सेंटेंसों के साथ हम लोग हैव, हैज, टू, टू और वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब। जिनके एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई देता होगा, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, उसे दिल्ली जाना है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ता है। टेंस के रूल पर अभी नहीं जाएंगे। अभी साथियों हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे, पहले आप पढ़ लीजिए कि अभी हमने टेंस आपको क्यों नहीं बताया है, क्या क्या समस्याएं आ जाएगी आपको टेंस में। डायरेक्ट टेंस में कूदने की जरूरत नहीं है, पहले बेस ठीक कीजिए, उसके बाद एडवांस में हम लोग चलेंगे और हम आपके साथ हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो साथियों यहां तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और इन्हीं स्ट्रक्चर के साथ, वीडियो लंबा ज्यादा ना हो इसके लिए मैं इन्हीं स्ट्रक्चर के साथ मैं क्या करूंगा कि वीडियो को समाप्त करूंगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सारे सेंटेंस को समझाने का प्रयास करूंगा। 6 के 6 स्ट्रक्चर उसी वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरह से इन बातों को समझ जाए। अब यहां पे देखना है साथियों हमको क्या कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें नोट जरूर कर लिए होंगे और आपको इसको नोट करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अगर नोट नहीं किए भी होंगे तो देखिए कि माइंड जो होता है ना वो बहुत चीजों को याद नहीं कर पाता है, तो इसीलिए क्या कीजिए कि आप इन्हें लिख लीजिए कॉपी में तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या जानेंगे साथियों कि इनके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं और इनके बनावट के बारे में अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों स्ट्रक्चर ऑफ यूज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैव या हैज प्लस टीओ टू भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टीओ टू भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है साथियों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस टीओ टू प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट।
तीसरा है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टीओ टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टीओ टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा है डब्ल्यू एच वॉट प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टीओ टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। छठा है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टीओ टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन स्ट्रक्चरों को क्या कीजिए कि आप अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियोस को देखना ना पड़े, और जितना हो सके ना साथियों इसे शेयर जरूर कीजिए। मैं शिक्षा को फैलाने आया हूं, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा ब्लॉक तभी सुधर सकता है जब उनके अंदर में शिक्षा आएगी, जब उनके अंदर में पूरी समस्याओं का समाधान करने का एक ही मात्र होगा शिक्षा। तो हमारा श्रेय है कि शिक्षाओं को बढ़ाना, जितना दूर दूर तक शिक्षा जाएगी उतना दूर दूर तक के बच्चे अच्छे तरह के होंगे। और हमारा जो आज भारत पीछे है या हमारा जो स्टेट आज पीछे है, किसी भी माध्यम में देख लीजिए तो पीछे है, तो इसका एक ही कारण है शिक्षा। अगर सही शिक्षा मिलेगी तो हम अच्छे होंगे, और खराब अगर शिक्षा मिलेगी तो हम खराब बनेंगे। तो कहावत भी आप जानते होंगे ना कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। ये कहावत आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपके दादा दादी या नाना नानी बचपन में जरूर आपको सिखाते होंगे। ये कहावत खराब नहीं है, ये कहावत बड़ी अच्छी है। तो इन कहावतों से भी सीखने का प्रयास कीजिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। और आपको लगता होगा कि मैं सब्सक्राइब और शेयर और फेमस होने के लिए बोलता हूं, तो हाँ ये बोलता हूं मैं फेमस होऊंगा तब तो आप तक पहुंच पाऊंगा, मैं अगर फेमस नहीं होऊंगा तब तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कुछ श्रेय आपका भी जाता है और कुछ श्रेय मेरा भी जाता है। तो अकेले पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, इसे शेयर जरूर कीजिए, इसे डेली देखने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है एक बार और इस वीडियोस को देख लीजिए, ताकि एक एक बात एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथियों अब यहां सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इन सारी चीजों को मैंने आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं इसी चैनल पे। इनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके बेसिक टू एडवांस करके उन सारी सीरीज को अच्छी तरह से देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है, वी वन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होगा, इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझा चुका हूं, तो उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब यहां पे बात आ गई साथियों कि हैव या हैज किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा, ये भी मैंने अच्छी तरह से यूज ऑफ हैव एंड हैज में बता चुका हूं। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ हैव एंड हैज प्लस टीओ टू प्लस पढ़ रहे हैं, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब हर चैप्टर का एक एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको इस तरह के सेंटेंस आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ता है, ये सेंटेंस आपने नहीं देखे होंगे। तो इसको क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब इसके रिमार्क पे चलते हैं, इसके नोट्स क्या हो सकते हैं। तो इनके रिमार्क्स नंबर वन में चलेंगे, हालांकि वीडियोज में मैंने अच्छी तरह से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने जो बच्चे पढ़ चुके होंगे तो वो बार बार क्यों वीडियोज को देखेंगे, यहीं से देखना स्टार्ट कर देंगे तो समझेंगे कि आई वी यू देज एवं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव एच ए वी ई हैव का प्रयोग करते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा साथियों कि ही सी इट
एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो साथियों इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा और मैं होने भी नहीं दूंगा।